हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। और सुबह 7:15 का ये टाइम है, बेटा चला गया है स्कूल, उसके लिए मैंने आज बना दी थी ये आलू की पिट्ठी पराठा, तो वो बस एक खा के गया है और टिफ़िन में भी दो पराठे पिट्ठी के साथ में ले गया है। यहाँ पर मैं एक पराठा अपने बड़े बेटे को खिला दे रही हूँ, साथ में मैं उसको दे दे रही हूँ चाय। और आज ना मतलब मैं सुबह जल्दी नहीं उठी, बहुत आराम से उठी हूँ, क्योंकि ना मेरे हो रही है तबीयत ख़राब, कोल्ड कफ हो रखा है, फीवर हो रखा है, एनर्जी बिल्कुल डाउन जा रखी है, हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ ज़्यादा करने की। लेकिन काम तो करना ही है फिर, चाहे तबीयत कैसी भी हो। अकेले रहना, जब तबीयत ख़राब होती है ना तब अकेले रहना बड़ा टफ हो जाता है, बट चलिए क्या कर सकते हैं। अंदर की साइड को मैंने झाड़ू लगा दी है और आज मैं मिनिमम काम करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। और यहाँ पे देखिए ना, बाहर की साइड को यहाँ पे चल रहा था फर्नीचर का काम, लकड़ी का खिड़की दरवाजे चढ़ाने का। तो कल के दिन को वो आए थे और वो ना रात को गए हैं, मतलब कि शाम में गए हैं 7:15 या 7:30 के लगभग, और शाम के टाइम में झाड़ू नहीं लगाते हैं ना, तो इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और सुबह में भी बस फटाफट से, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना था ना, तो जल्दी जल्दी बस करके उसको भेज दिया, फिर मैंने आके किया उसको ड्रॉप करने के बाद में रेस्ट। और अब मैं उठी हूँ तो बस अब मैं यहाँ वाली साइड को कर दे रही हूँ थोड़ा बहुत से क्लीन। फ्रेंड्स, इसको मैंने कर दिया है अभी यहाँ पे इकट्ठा एक जगह, क्योंकि ये काफ़ी सारा है ना, कट्टे में जाएगा, ऐसे नहीं भरा जाएगा ये पन्नियों में। सो आज भी काम होगा तो मैं एक साथ भर के ना फेंकवा दूँगी, इसलिए आज मैंने इसको कर दिया यहीं पर। चले तो अभी एक दो दिन काम और चलेगा ना, तो इसलिए मैं उसको उठा नहीं रही, बाद में एक साथ कट्टे में भर के मैं उसको फिकवा दूंगी। तो अभी बस एक साइड को इकट्ठा कर दिया है सॉरी, और यहाँ पूरे घर में निकाल दिए मैंने अच्छे से। झाड़ू पोछा मैं आज नहीं लगाऊंगी, बस यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें फैली हुई रहती है ना सुबह के टाइम में, उनको ही मैं बस अरेंज कर दे रही हूँ, इसको मैं ठीक कर दूँगी। दूसरे वाले रूम की बेड शीट भी मैंने लगा दी है और आज मैं पोछा नहीं लगा रही, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। और जो मेरी रेगुलर वाली एक्सरसाइज होती है ना, वो वाली भी नहीं करूँगी मैं, हैवी वाली, बस इसलिए मैं सिंपल सा योगा कर ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हैवी वाली एक्सरसाइज करने का हिम्मत ही नहीं हो रही है। एनर्जी बिल्कुल डाउन जा रही है, शरीर कांप रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। हालांकि एक ही दिन हुआ है फीवर आए हुए, कल शाम में आया था और अभी तक ही बैंड बज गई है। और कुछ दवाइयाँ ना मतलब एकदम हैवी वाली थी शायद, जैसे ही मैंने दवाई खाई ना, उसके आधा एक घंटे के बाद ही ना मतलब अजीब सा हो रहा है, खाली खाली सा। तो चलिए बस यहाँ पे मैं कर लूँगी आज अनुलोम विलोम, कपाल भाती और थोड़ा सा स्ट्रेच, हल्का फुल्का सा ही करूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। दैट्स इट, यही हो जाएगा आज का मेरा वर्कआउट वाला रूटीन। और सॉरी, बोलते टाइम पे ना गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है, तो खांसी नहीं है लेकिन जैसे बोल रही हूँ ना तो वो किचकिच सी हो रही है, मतलब कांटे से चुभ रहे हैं गले में, तो ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। और ये पता है इन्फेक्शन आजकल चल ही रहा है, पता नहीं क्या, जिसको भी फ़ोन करो सबको कि हमें बुखार हो रहा है, हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, ये सब कुछ यही हो रखा है। और तो चलिए कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, लाइफ है। और बस यहाँ पर देखिए 5 से 10 मिनट मैंने कर लिया है और अब फिर मैं पी लूँगी एक गिलास गरम पानी पीऊँगी। और सुबह में ना मैंने बेटे को खिला दिया था, मैं अपने लिए बनाऊँगी अब कुछ नाश्ता सा। और पता है मुँह कड़वा हो रखा है, स्वाद ही नहीं रहा किसी चीज़ में, कोई भी चीज़ खा रही हूँ ना तो इतना कड़वा कड़वा सा लग रहा है कि मनसा ही नहीं होता है, मन कर रहा है क्योंकि चटपटा सा ना चटाकेदार खाऊँ। और पानी भी गर्म पी रही हूँ ना जुकाम की वजह से, तो वो तो और ज़्यादा कड़वा लग रहा है। और यहाँ पर ये काले चने हैं जिनको मैंने सुबह में बॉयल कर लिया था जब बेटे का मैं टिफ़िन तैयार कर रही थी। और अब मैं इसी की ना एक हल्की फुल्की सी चाट बना लूँगी, हल्की फुल्की क्या होती है मतलब चाट बना लूँगी। तो मैंने बस यहाँ पे आधा चम्मच के लगभग घी लिया है, उसमें डाला है जीरा, धनिया, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, मैंने ज़्यादा डाला है। आजकल मैं स्पाइसी नहीं खा रही हूँ, लेकिन आज अपने क्योंकि स्वाद ख़राब हो रखा है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा तीखा और खट्टा सा बना रही हूँ इसको। तो मैं इसमें बस एक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी, अगर टमाटर खीरा इस टाइम पे मेरे पास नहीं है वो डाल देते हैं तो और भी यम लगता है। और उसमें मैं डालूंगी स्वाद को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा टमाटो सॉस, और नींबू नहीं है तो उसके ऑप्शन में डालूंगी इसमें विनेगर, तो 1 से 1.5 ढक्कन मैंने इसमें विनेगर डाल दिया, उससे ना एक टैंगी सा फ्लेवर आ जाएगा। ऊपर से मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, तो थोड़ा चटपटा टाइप का हो जाएगा, तो देखते हैं खाने में थोड़ा स्वाद आए। और साथ में मैं
सॉरी, और इसको ना हाई फ्लेम पे मैंने बस सॉटे कर लिया है। मुश्किल से एक मिनट में ये बनके तैयार हो गई है और बस हम दोनों ही ले लेंगे। थोड़ा सा मैं बेटे को भी दे दूँगी, हालांकि उसको मैंने पराठा वगैरह खिला रखा है। और आज मैं इसके साथ में बनाऊँगी चाय। वैसे तो मैं जब भी ये बनाती हूँ ना तो मैं नॉर्मली इसके साथ छाछ लेती हूँ। छाछ के साथ में ये एकदम चना चाट ना अल्टीमेट लगती है, बहुत ही यम लगती है मुझे। बस छाछ हो जो भुने जीरे का तड़का हो उसमें, बस यम। बट आज क्योंकि कोल्ड हो रखा है तो उस वजह से छाछ तो मैं ले नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने बना ली है यहाँ पे चाय। और बस अब हम दोनों कर ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो यही है मेरा आज का नाश्ता। तो वैसे तो एकदम ये चटपटी सी बनी थी, टैंगी सी, काफ़ी यम लग रही थी, लेकिन क्योंकि मेरे टेस्ट बड पूरे ख़राब हो रखे हैं ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बाद में जो कड़वापन रहता है ना वो फील हो रहा था, तो वो तो तबीयत ख़राब होने की वजह से। और बस नाश्ता हो गया है, अब मैं यहीं पर लेट जाऊँगी। दवाई मैंने खा ली है और अब मैं आधा एक घंटा के लिए आराम से बैठने वाली हूँ, पढ़ने वाली हूँ अपनी पिछली वीडियो के कमेंट। आप लोगों के कमेंट पढ़ के ना बड़ा बूस्ट होती हूँ मैं। और पता है बेटा को मैं नीचे बोल रही थी कि नीचे बैठ जा, पर पता नहीं क्यों ये नीचे बैठना पसंद ही नहीं करता, ये ऊपर ही बैठता है हमेशा। मुझे तो नीचे साफ़ सफाई करके नीचे बैठने में लेटने में बड़ा अच्छा लगता है, गर्मियों गर्मियों में तो बड़ा ही मज़ा आता है। सो बस चलिए वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। यही था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही है आगे और फिर मैं बहुत कम लिमिटेड काम ही करने वाली हूँ आज। तो चलिए मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, आपके लाइक और आपके कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए बाय बाय।